प्रेजेंट सर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए देखते हैं नाउन होता क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या मतलब है इसका? कोई भी नाम होता है वो किसी भी चीज का नाम होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नेम। किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। कोई भी चीज है जो हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग एक नाम देते हैं और उसी नाम को हम लोग नाम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है राहुल, रीता, मैन, गर्ल, स्टूडेंट, ये सब क्या है? नाम है। ये सब क्या है? नाम है। किस चीज का नाम है? पर्सन। दूसरा, पटना, दिल्ली, मुंबई, सिटी, कोई भी सिटी है वो भी नाम होता है। किस चीज का नाम है? प्लेस का नाम है। काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ एनिमल। टेबल, चेयर, पेन, नोटबुक, ये सब क्या है? थिंग्स के नाम है। हम लोग एक सिंपल वे में समझ सकते हैं, किसी भी चीज को जो हम लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उन सारे चीजों के नाम हम लोग नाम कहते हैं। ओके, नाउन कितने टाइप के होते हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, हियर पिक्टोरियल ग्राफ हैज बीन गिवन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन चारों नाउन में क्या डिफरेंस होता है, इन चारों को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइप देखते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। क्या डिफरेंस है सिंपल डिफिनेशन ऑफ नाउन और प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन में? इसमें एक नया वर्ड आया हुआ है प्रॉपर। यह भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को ही कहते हैं। नाउन तो वही होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या अलग होगा? प्रॉपर नाउन में किसी पार्टिकुलर नेम, कोई ऐसा नाम जो खास हो, बाकी सबसे अलग हो, उसको कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित, राजू, कविता, ये क्या है? पर्सन के नाम, पर्सन का स्पेशल नेम है, खास नेम है। रोहित सब कोई नहीं हो सकता है, राजू भी सबको नहीं बोल सकते, कोई खास स्टूडेंट का नाम होगा। कविता भी किसी खास स्टूडेंट का नाम होगा, सबका नाम कविता नहीं हो सकता। तो ये पर्सन के नाम है, स्पेशल नेम्स है, पार्टिकुलर नेम्स है, दैट्स व्हाई ये सब क्या है? प्रॉपर नाम्स। सेकंड इज पटना, मुंबई। पटना, मुंबई क्या है? प्लेस का नाम है, ये भी कोई खास जगह है। सारे सिटी को हम लोग पटना नहीं कह सकते हैं, सभी सिटी को हम लोग मुंबई नहीं कह सकते हैं। तो ये सिटी के नाम है बट वो स्पेशल नेम। ओके, थर्ड इज टॉमी, मोती, मिकी, ये सब क्या है? एनिमल के खास नाम है। हम लोग डॉग का नाम रख देते हैं टॉमी, मोती, ये सब डॉग के नाम हम लोग रखते हैं। मिक्की कैट का नाम रख देते हैं। तो ये सब क्या है? खास नाम। सब सारे डॉग को, सभी डॉग्स को हम लोग टॉमी नहीं कहते हैं, टॉमी किसी खास डॉग का नाम होगा। तो ये स्पेशल पार्टिकुलर नेम हो गया टॉमी, मोती, मिक्की, ये सब क्या है? एनिमल के पार्टिकुलर नेम्स है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाम। ओके, नेक्स्ट इज क्लासमेट, स्कूल में हम लोग कॉपी यूज करते हैं, नोटबुक यूज करते हैं। तो नोटबुक तो सभी कंपनी की आती है, पर क्लासमेट एक अलग हो गया, स्कूलमेट एक अलग हो गया। तो ये क्लासमेट, स्कूलमेट,
थिंग्स के नाम हो गए, ये प्रॉपर नाम है जो, क्योंकि ये पार्टिकुलर नेम्स ऑफ कॉफीज है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सिंपल नाउन, नाउन तो सभी होते हैं, प्रॉपर नाउन वो कब होगा जब वो ना कोई खास नाम, कोई स्पेशल या पार्टिकुलर नेम, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट टाइप इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है, आइए देखते हैं. अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ जनरल, नेम ऑफ अ जनरल पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक वर्ड का डिफरेंस है. इसमें है पार्टिकुलर और इसमें है जनरल. एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है. एग्जाम्पल है मैन, वुमेन, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है, मैन कोई भी मैन हो सकता है, पर उसमें राहुल खास नाम हो गया, तो ये जनरल नेम हो गया मैन, रोहित स्पेशल नेम हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया. वुमेन ये जनरल नेम हो गया वुमेन का, और कविता इसमें पार्टिकुलर नेम हो गया. स्टूडेंट ये सबको कह सकते हैं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन रोहित, राजू, कविता ये सब कोई खास स्टूडेंट है, इसका अलग अलग नाम है. ओके, वैसे ही सिटी, सिटी तो कोई भी शहर हो उसको हम लोग सिटी कह सकते हैं, पर सबको पटना नहीं कह सकते, सबको मुंबई नहीं कह सकते, तो ये स्पेशल नेम्स है और ये जनरल नेम है. सिटी कोई भी सिटी हम लोग जितने भी हैं शहर उनको सिटी कह सकते हैं, जितने भी है कंट्री और सबको हम लोग कंट्री कह सकते हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये सब कोई खास कंट्री हो गया, कोई स्पेशल नाम हो गया उनका. चाइना सब कंट्री को नहीं कहेंगे, कंट्री सबको कह सकते हैं पर चाइना सब कंट्री को नहीं कह सकते हैं. तो कंट्री एक कॉमन नेम हो गया और चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ये सब स्पेशल नेम हो गया, यानी कि प्रॉपर नाम हो गया. काउ, डॉग, कैट ये सब कॉमन नेम्स हैं, सबको कह सकते, जितने भी काउ सबको काउ कहेंगे, जितने भी डॉग है सबको डॉग कहेंगे, लेकिन सबको टॉमी नहीं कहेंगे. जितने भी डॉग है उसमें टॉमी एक अलग नेम हो गया, मोती एक अलग नेम हो गया. ओके, कैट, कैट जितने भी बिल्ली है, जितने भी कैट है सबको कैट कहेंगे, पर मिकी अलग नेम हो गया, स्पेशल नेम हो गया. तो ये जनरल नेम हो गया कैट, मिकी स्पेशल नेम हो गया. तो जनरल नेम हो गया तो कॉमन नाम, स्पेशल नेम हो गया तो प्रॉपर नाम. तो ये होते हैं दोनों में डिफरेंस. आइए और डिटेल में समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. फर्स्ट इज मैन. मैन एक जनरल नेम है. ओके, इसका स्पेशल नेम क्या होगा, रोहित, मोहित, राजू ये सब स्पेशल नेम हो गए. तो ये जो है कॉमन नेम है और ये जो है प्रॉपर नाम है. ये कॉमन नाम, ये प्रॉपर नाम. ओके, वुमेन एक जनरल नेम है. अनीता, कविता, सुनीता ये सब क्या है, प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाम हो गया, स्पेशल नेम है, प्रॉपर नाम हो गया. डॉग एक जनरल नेम है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया. टॉमी, मोती ये सब डॉग के स्पेशल नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल तो कोई भी हो सकता है, जनरल नेम है, लेकिन पटना सबको नहीं कह सकते, जितने कैपिटल है सबको पटना नहीं कह सकते, सबको रांची नहीं कह सकते, सबको कोलकाता नहीं कह सकते, तो ये स्पेशल नेम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया. ये कैपिटल जो है जनरल नेम है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया. ओके, कंट्री, कंट्री तो सभी है सबको कह सकते हैं कंट्री, लेकिन सबको इंडिया, सबको पाकिस्तान, सबको चाइना नहीं कह सकते, ये एक खास कंट्री का नाम है. ये भी पाकिस्तान खास कंट्री का नाम है, ये भी एक अलग कंट्री है, एक ही कंट्री है. तो कंट्री वर्ड जो है ये नाम है कौन सा, कॉमन नाम, और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ये सब नाउन है, कौन सा,
प्रॉपर्टी ओके। सिमिलरली नोटबुक, किसी भी कॉपी को हम लोग नोटबुक कह सकते हैं, एक कॉमन नाम है ये ओके, जनरल नाम नहीं है। लेकिन क्लास में स्कूल में ये कोई खास कॉपी का नाम है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाम ओके। कॉमन नाम प्रॉपर नाम में क्या डिफरेंस होता है? कॉमन नाम ओवरऑल जनरल वर्ड होता है जो सबके लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉपर नाम किसी खास के लिए यूज कर सकते हैं, कोई एक स्पेशल नेम होता है जो किसी एक के लिए यूज किया जा सकता है ओके। एनी डाउट? कॉमन नाम एंड प्रॉपर नाम में यही डिफरेंस है ओके। वन मोर थिंग, प्रॉपर नाम जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, प्रॉपर नाम का फर्स्ट लेटर जहां भी होगा वो कैपिटल लेटर में होगा ओके। ओके थैंक यू।